जल्दी उठा देना। हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग अगर उठ गए हों तो आज हमारा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन पर विस्तृत चर्चा करो। और हम ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर में लिख रहे हैं। फ्रेंड्स, जो मेरे नोट्स थे वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, 5-7 क्वेश्चन और रहे हैं, वो और मैं अभी अपडेट करके आपको कल दे दूँगी, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यही नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ। और बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम कहाँ से नोट्स लें, तो आप वीडियो देखिए, वीडियो में नंबर है, हर जगह पे मैंने हर पेज पे नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से आपको पूरी नोट्स की अपडेट मिल जाएगा कि कौन सा नोट्स कितने में है और कैसे आपको मिलेगा। तो आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं और वहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने ये आंसर को खुद से फ्रेम करके, मेरे वीडियो देखने से पहले आप ये क्वेश्चन देखा कीजिए और फिर खुद फ्रेम कीजिएगा कि आप कैसे फ्रेम कर रहे हैं, आपका कौन सा कंटेंट छूट रहा है, तो फिर आप मेरा वीडियो देखिए और फिर उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ताकि आपका जो एक आंसर है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए और आप उसको कभी नहीं भूलो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइएगा, मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और अपने जो फ्रेंड्स हों, आपके जो सीरियस हों, उनको भी उसमें जोड़ लीजिएगा। तो ऐसे ही आंदोलन पर विस्तृत चर्चा करो। मैं पहले आपको फ्रेमिंग दिखा देती हूँ मैंने कैसे की है। इस प्रकार से मैंने ये 3 पेज में, क्योंकि हम 15 मार्क में लिख रहे हैं, तो मैंने 3 पेज में इसकी फ्रेमिंग की है। तो सबसे पहले असहयोग क्या होता है? तो शोषक सत्ता का सहयोग ना करना ही असहयोग है। शोषक सत्ता का सहयोग ना करना ही असहयोग है। असहयोग गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा का अभिन्न हिस्सा है। इसकी पृष्ठभूमि में 3 प्रकार के आंदोलन आते हैं। रोलेट एक्ट, मतलब जिनके कारण ये हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से व्याप्त। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से व्याप्त। तो ये था आपका असहयोग आंदोलन की परिभाषा और ये इसकी पृष्ठभूमि। अब है इसके लक्ष्य और कार्यक्रम। तो गांधी जी ने इस आंदोलन में नारा दिया, एक वर्ष के भीतर स्वराज। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या नारा दिया? एक वर्ष के भीतर स्वराज। इसके कार्यक्रम कौन से थे? दो भागों में बटे हुए थे इसके कार्यक्रम। एक थे रचनात्मकता और एक थे बहिष्कार। याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन को 2 भागों में बांटा गया, रचनात्मकता और बहिष्कार। अब रचनात्मकता को भी क्या क्या थे रचनात्मकता में? राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार और सूत काटना। तो ये सभी इसके रचनात्मकता अंगों में से थे कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार और सूत काटना। ये हो गया आपका रचनात्मकता। अब है बहिष्कार। बहिष्कार किस क्या क्या किया हमने? सरकारी उपाधियों को लौटा दिया, प्रशस्ति पत्रों को लौटा दिया, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, सरकारी उत्सवों और समारोह का बहिष्कार किया, स्थानीय निकायों के नामांकित पत्रों से त्याग पत्र दे दिया, स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग पत्र दे दिया। तो ये आपके बहिष्कार थे, सरकारी उपाधि को लौटाना, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूल का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों और समारोह का बहिष्कार और स्थानीय निकायों के नामांकित त्याग पत्र। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले असहयोग आंदोलन क्या होता है, इसकी पृष्ठभूमि, इसके लक्ष्य और कार्यक्रम। लक्ष्य और कार्यक्रम में सबसे पहले गांधी जी ने क्या नारा दिया, फिर उनके कार्यक्रम 2 प्रकार के थे, रचनात्मकता एक बहिष्कार। रचनात्मकता में क्या थे? राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, अस्पृश्यता का अंत, हिंदू मुस्लिम एकता, स्वदेशी का प्रसार, सूत काटना, ये रचनात्मकता में आ गए। फिर है इसके बहिष्कार अंग। तो हमने इनके किन किन चीज़ों का बहिष्कार किया? तो सरकारी उपाधि को लौटाना, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूल का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों और समारोह का बहिष्कार
अविश बहिष्कार और स्थानीय निकायों का नामांकित पदों से त्यागपत्र। कुल मिला के अंग्रेजों द्वारा जो चीज़ें थीं, अंग्रेजों द्वारा जो साधन थे उनका टोटली बहिष्कार करना था, और रचनात्मकता में कि किस प्रकार की रचना करके हम उनमें असहयोग कर सकते हैं, सहयोग नहीं हम उनका असहयोग कर सकते हैं, तो वो रचनात्मकता में आ जाएंगे और ये बहिष्कार में आ जाएंगे। ये फ्रेंड्स वही नोट्स हैं जो आप ले रहे हैं, बहुत ही अच्छे बनाए हैं मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के, आप बहुत अच्छे से फ्रेम किया है, आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कम्प्लीट हो जाएगा और आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे घटनाएँ, इसमें घटनाएँ क्या हुई थी कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमन नीति के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए समूचे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। दमन की नीति से असहयोग आंदोलन के को चलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत पार्टी दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये इसकी थी क्या घटनाएं, घटनाएं में क्या हुआ, भारत आगमन के दिन सरकार की क्रूर दमन नीति के विरुद्ध हड़ताल हुआ और दमन की नीति से असहयोग आंदोलन को चलने में असमर्थ होने के बाद सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत पार्टी पर प्रतिबंध लगा दी। अब है आंदोलन की वापसी, ऐसे क्या कारण हुए कि आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो बढ़ती हिंसा बढ़ रही थी जिसके कारण गांधी जी चिंतित थे। जनता की भीड़ ने 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जला दिया। 12 फरवरी को बारदोली में हुई कांग्रेस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो ये क्योंकि हमको असहयोग आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि लिखनी है, पूरा लिखना है, तो इसमें हमने आंदोलन जो वापस हो गया था क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, तो हम वो भी लिखेंगे कि ये कारण थे, इस डेट को असहयोग आंदोलन हुआ और इस डेट को असहयोग आंदोलन वापस हुआ। तो ये सभी कारण हम यहाँ पे नोट करेंगे कि 12 फरवरी को बारदोली में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब हम पढ़ेंगे आंदोलन की प्रभावशीलता, क्या प्रभाव रहे इस आंदोलन के। तो आंदोलन का लक्ष्य सुशासन से स्वराज्य हो गया, स्वावलंबन व आत्मबल के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास किया गया। गांधी जी ने कुशलता से उग्रवादी और उदारवादी रणनीति को अपनाया। सीमित वर्गों तक सिमटा राष्ट्रीय आंदोलन आम जनता तक पहुंच। क्या हुआ, आंदोलन का लक्ष्य स्वशासन से स्वराज, स्वावलंबन व आत्मबल के आधार पर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास, गांधी जी ने कुशलता से उग्रवादी और उदारवादी रणनीति को अपनाया, सीमित वर्गों तक सिमटा राष्ट्रीय आंदोलन और आम जनता तक पहुंच, ये आंदोलन की प्रभावशीलता रही। तो क्या क्या किया फ्रेंड्स हमने, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी, इसकी पृष्ठभूमि लिखी, इसके पृष्ठभूमि में 3 प्रकार थे, फिर हमने इसके लक्ष्य और कार्यक्रम लिखे, कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा, फिर रचनात्मकता में लिखे हमने इसके 4 भाग, फिर हमने बहिष्कार में लिखा क्या क्या बहिष्कार किए गए, फिर हमने कौन सी घटनाएं हुई असहयोग आंदोलन के समय, तो फिर हमने उन घटनाओं को मेंशन किया, फिर आंदोलन की वापसी क्यों हुई तो हमने उन आंदोलन के बारे में लिखा, फिर था आंदोलन की प्रभावशीलता, तो आंदोलन की प्रभावशीलता लिखी हमने कि आंदोलन के क्या क्या प्रभाव हुए। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का आंसर, ये मेरे नोट्स हैं और कल से इसमें आधुनिक इतिहास भी जुड़ जाएगा, तो आधुनिक इतिहास की जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं और ये सभी नोट्स रेडी हो चुके हैं तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप नए हैं इनको लेने की जो प्रोसेस है आप मुझे गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, जिसके नंबर मैं आपको व्हाट्सअप पे दे दूँगी, आप मेरा जो नंबर है ये व्हाट्सअप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स अभी जो मैंने आंसर बताया आपको 15 नंबर में बताया है, 15 नंबर का जो आंसर होता है उसको आपको करीब 3 से 3.5 पेज में लिखना होता है। 6 नंबर का आंसर होता है वहाँ पे आपको ना तो इंट्रो देना पड़ता है और ना ही निष्कर्ष लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको इंट्रो भी देना है, निष्कर्ष भी देना है और जो भी आप चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि आप प्लासी लिख रहे हैं तो आपको हर चीज़ लिखना है प्लासी के बारे में, ये कब हुई, कहाँ हुई, इसके महत्व क्या हुए, इसके कारण क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, तो मतलब 15 मार्कर जो है उसमें आपको हर चीज़ इंक्लूड करनी है, जबकि 6 मार्कर में आपको केवल वही लिखना है। जैसे कि 6 मार्कर में पूछा आपसे कि प्लासी का महत्व, तो आपको केवल महत्व लिखना है, यही नहीं लिखना है आपको कि ये कब हुआ,
किसके कारण हुआ, क्या हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, ये फालतू चीज़ आपको इसमें इंक्लूड नहीं करनी है। आपको बस एक पेज का आंसर लिखना है। मेरे ये नोट्स हैं, मैंने इसमें 6 मार्कर के लगभग सभी क्वेश्चन को लिखा है। मैंने यही किया है कि सबसे पहले आपको मैंने थोड़ा छोटा सा इंट्रो दिया है, उसके बाद फ्लो चार्ट में मैंने अपना आंसर कम्प्लीट किया है, तो ऐसे ही आपको लिखना है। सो फ्रेंड्स, अच्छे से राइटिंग कीजिए, बार बार लिखिए, राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, और मैं जो ग्रुप में क्वेश्चन डालूँ प्लीज़ उनको लिख के देखिए, फिर आप वीडियो देखा कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का इतिहास और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाऊंगी, उसी के वीडियो मैं आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगी। नोट्स बनने के बाद मैं अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस आपको लाती रहूंगी और टॉपिक वाइज भी स्टार्ट कर दूंगी। और मध्य प्रदेश की अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 5000 क्वेश्चन वाला पार्ट जरूर देखिएगा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।